आजकल एजुकेशन में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि बच्चों का अधिकांश समय सिलेबस की किताबें पढ़ने और उनकी तैयारी में ही बीत जाता है। यह सही है कि सिलेबस की किताबें उन्हें शिक्षा के लिए तैयार करती हैं, लेकिन उनके समग्र विकास के लिए यह काफी नहीं है। बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास केवल सिलेबस तक सीमित नहीं होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह क्यों जरूरी है। नंबर एक, कल्पना शक्ति का विकास। सिलेबस की किताबें जहां बच्चों को तथ्यों और जानकारी से रूबरू कराती हैं, वहीं कहानियों की किताबें उनके दिमाग को कल्पनाओं की उड़ान भरने का मौका देती हैं। जब बच्चे कहानियों में खो जाते हैं तो वे नई नई दुनिया, पात्र और घटनाओं को अपनी कल्पनाओं में देखते हैं। इससे उनका रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और वे नए विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। नंबर दो, नैतिक मूल्यों और संस्कारों की सीख। कहानियों में अक्सर नायक या नायिका के संघर्ष और विजय के माध्यम से बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं। वे अच्छे और बुरे का अंतर समझते हैं और समाज में सही तरीके से जीने का तरीका सीखते हैं। कहानी के पात्रों से मिलने वाली प्रेरणा उन्हें वास्तविक जीवन में भी सही दिशा चुनने में मदद करती है। नंबर तीन, भाषा कौशल का विकास। कहानियों की किताबें पढ़ने से बच्चों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। वे नए शब्द, वाक्य संरचनाएं और मुहावरे सीखते हैं जो उनकी शब्दावली को समृद्ध करते हैं। नियमित रूप से कहानियां पढ़ने से बच्चे भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित होते हैं, जिससे उनका बोलने और लिखने का कौशल बेहतर होता है। इसके अलावा व्याकरण का सही उपयोग और वाक्य संरचना भी कहानियों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है। नंबर चार, पढ़ने की आदत विकसित करना। कहानियों की किताबें पढ़ना एक मज़ेदार और रोचक अनुभव होता है, जिससे बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित होती है। जब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन मिलता है तो वे पढ़ने में अधिक इंटरेस्ट दिखाते हैं। इससे न केवल उनकी पढ़ाई में सुधार होता है, बल्कि उनके मन में जीवन भर के लिए पढ़ने की आदत भी पनपती है, जो भविष्य में उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। नंबर पाँच, मानसिक और भावनात्मक विकास। कहानियों की किताबें पढ़ते समय बच्चे विभिन्न पात्रों के जीवन में झांकते हैं, उनकी चुनौतियों को समझते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। इससे बच्चों का भावनात्मक विकास होता है और वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार होते हैं। कहानियां बच्चों को सहानुभूति, सहिष्णुता और धैर्य जैसे महत्वपूर्ण गुण सिखाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ने का मौका दिया जाए जो उनकी सोच को नया आयाम दें और उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित करें। हिंदी में कई ऐसी किताबें और पत्रिकाएं हैं जो बच्चों की कल्पना शक्ति, भाषा कौशल और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में सहायक होती हैं। हम यहाँ कुछ प्रमुख हिंदी की किताबें और पत्रिकाओं के बारे में बताते हैं जो बच्चों के लिए बेहतरीन हैं। चंपक। चंपक हिंदी और इंग्लिश की एक लोकप्रिय बाल पत्रिका है जो बच्चों को मज़ेदार कहानियों, पहेलियों और ज्ञानवर्धक सामग्री के जरिए सिखाती है। इसमें रोमांच, मित्रता और नैतिकता से जुड़ी कहानियां होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। नंदन। नंदन हिंदी की एक और प्रसिद्ध बाल पत्रिका है जिसमें बच्चों के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ, कविताएँ और रोचक जानकारी दी जाती है। इसमें पौराणिक कथाएं, वीर गाथाएं और आधुनिक कहानियां होती हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं। इसके बाद हमने अगली पत्रिका चुनी है, बाल भारती। बाल भारती एक पुरानी और प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका है जिसे बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें बच्चों की रुचियों के अनुसार कहानियां, लेख, कविताएं और चित्रकथाएं होती हैं। यह पत्रिका बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में मदद करती है। अगली पत्रिका है सुमन सौरभ। सुमन सौरभ भी बच्चों की एक मशहूर पत्रिका है जिसमें रोचक कहानियां, लेख, चित्रकथाएं और पहेलियां होती हैं। इसमें नैतिक और प्रेरणादायक कहानियों का अच्छा संग्रह मिलता है जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। अभी ये मैगजीन बंद हो चुकी है, लेकिन इसकी पुरानी एडिशन आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आती है नन्हे सम्राट। नन्हे सम्राट भी एक लोकप्रिय बाल पत्रिका है जिसमें बच्चों की रुचि के अनुसार कहानियां, खेल, पहेलियां और चित्र कथाएं होती हैं। यह पत्रिका बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देती है और उन्हें नैतिकता के पाठ सिखाती है। नेक्स्ट बुक है पंचतंत्र की कहानियां। पंचतंत्र की कहानियां सदियों से बच्चों को नैतिकता और व्यावहारिक ज्ञान सिखाती आ रही हैं। ये कहानियां सरल, रोचक और शिक्षाप्रद होती हैं जो बच्चों को व्यवहारिक जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। अगली बुक है हितोपदेश।
हितोपदेश की कहानियां भी नैतिक और शिक्षाप्रद होती हैं, जो बच्चों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इसमें सरल और प्रभावी कहानियां होती हैं, जो बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। आकाश गंगा एक विज्ञान केंद्रित पत्रिका है, जिसमें विज्ञान से संबंधित रोचक तथ्य, आविष्कार और कहानियां होती हैं। यह पत्रिका बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। और अंत में चंदा मामा। चंदा मामा भी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, जिसमें पौराणिक, ऐतिहासिक और नैतिक कहानियों का संग्रह मिलता था। हालांकि अब इसका प्रकाशन बंद हो चुका है, लेकिन इसके पुराने अंकों को पढ़ना आज भी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। इन सभी किताबों और पत्रिकाओं में ऐसी कहानियां, कविताएं और लेख होते हैं, जो बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा और ज्ञान देते हैं। इनके जरिए बच्चे न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि अपनी भाषा, कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं। बच्चों को सिलेबस की किताबों तक सीमित रखना उनके विकास के लिए सही नहीं है। चंपक, नंदन, नन्हे सम्राट, सुमन सौरभ जैसी कहानियों की किताबें न केवल उनके मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक होती हैं, बल्कि उनकी भाषा कौशल, कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों को भी मजबूत करती हैं। इन किताबों से पढ़ने की आदत विकसित होती है, जो बचपन से ही जीवन भर के लिए ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा और प्रेम पैदा करती है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों को ऐसी किताबें पढ़ने का मौका दिया जाए, जो उनकी सोच को नया आयाम और उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित करें। वीडियो में हमने आपको बताया कि सिलेबस की किताबों के अलावा भी कुछ अन्य बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए। हमने कुछ अच्छी बुक्स के नाम आपसे शेयर किए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो। और इनमें से आपने कौन कौन सी पत्रिका पढ़ी है, हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि आप उन बच्चों से डिफरेंट हैं, जो साल भर सिर्फ सिलेबस की किताबें ही पढ़ते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।